वलसाड़ जिला पुलिस ने वापी शहर में किया फ्लैग मार्च। कल होने वाली रामनवमी के रैली को शांतिप्रिय तरीके से कराने की पुलिस ने की कवायद। बुधवार को वापी पुलिस दल ने एक शांतिप्रिय मार्च किया। ये मार्च डुमरा से निकला और शहर भ्रमण करते हुए वापस डुमरा पहुंचा। इस दल ने शहर के सभी मार्गों का भ्रमण किया ताकि गुरुवार को होने वाली रामनवमी की रैली को शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराया जा सके। गुरुवार को वापी में रामनवमी की दो रैलियां निकलेगी। ये रैलियां डुमरा और वापी टाउन में निकलेगी। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस ने यह अभ्यास किया। इस फ्लैग मार्च को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस मार्च में वापी टाउन, जीआईडीसी और डुमरा के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। इस संदर्भ में DYSP ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। सर, आज प्रशासन तरफ से फ्लैग मार्च करवामां आवी रह्यो छे। रामनवमी निमित्ते वापी शहर जीआईडीसी विस्तार अने डुमरा पोलीस स्टेशन विस्तार माथी बे मोटी यात्राओ निकळनार छे। ए यात्राओना बंदोबस्त माटे एनी तैयारी माटे आज रोज जे रूट उपरथी यात्रा निकाळवानी छे ए रूट उपर पोलीस द्वारा फ्लेग मार्च करवामां आवेल छे। जे संवेदनशील विस्तारो छे ए विस्तारोमांथी पण पोलीसनी टीमो पसार थयेल छे। जे शंकास्पद जग्याओ छे, संवेदनशील विस्तारो छे, त्यांथी ड्रोन द्वारा सर्वे करवामां आवेल छे। जे भૂતકાળમાં લોકો ગુનાઓમાં પકડાયેલા છે એ લોકોનો સર્ચ કરવામાં આવેલ છે, એ લોકોની તપાસ કરવામાં આવેલ છે। કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એ માટે પોલીસ દ્વારા આજે ફ્લેગ માર્ચ યોજવામાં આવેલ હતો। સર, કારના માટે કેટલા જવાનો તૈનાત રહેશે અને કેટલી ટીમોનું ગઠન કર્યું છે? અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફિક્સ પોઈન્ટ રાખવામાં આવેલા છે અને યાત્રાની સાથે પણ પોલીસના માણસો રાખવામાં આવેલા છે। ખાસ કરીને ડુમરા પોલીસ વિસ્તાર, જીઆઈડીસી પોલીસ વિસ્તાર અને વાપી શહેર પોલીસ વિસ્તારમાં જ્યાં જ્યાંથી યાત્રા પસાર થવાના છે ત્યાં તમામ વિસ્તારો ઉપર પોલીસના માણસો પોલીસ પોઈન્ટ ગોઠવવામાં આવેલ છે।